हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वेलकम इन माय क्लास. टुडे वी टॉक अबाउट आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ. आवर चैप्टर इज एनिमल एंड देयर बिहेवियर्स. ओके, अपने सराउंडिंग जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे. और अपन बात करेंगे उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है. ओके, देन वी टॉक अबाउट एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर. ओके, नाउ लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स आर आल्सो सोशल एनिमल्स. ठीक है, जो ह्यूमंस हैं वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी क्या है, सोशल एनिमल है. ठीक है, सोशल एनिमल में ह्यूमंस और जो भी एनिमल्स अपने वो सारे इंक्लूडेड है. डन. मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. मैनी एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं. इट गिव्स देम ए सेंस ऑफ कंफर्ट. और वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहने के लिए, वो ग्रुप में रहते क्यों है, क्योंकि उनको क्या बेनिफिट होता है ग्रुप में रहने से. ठीक है, एक तो उनको कंफर्ट होता है, सिक्योरिटी होती है, करेज होता है. ओके, वो खुद को सेफ फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं. ओके, टू फाइट अवे देयर एनिमीज. और अगर किसी ने उन पे अटैक किया, अगर कोई एनिमीज उनका आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उन पे अटैक कर सकते हैं. अब आपको पता है, एक तो अलोन कोई एनिमल होगा तो उसको डेंजर ज़्यादा फील होगा, और अगर ग्रुप होगा तो क्या होंगे, वो अपने एनिमीज से इजीली फाइट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट. और एक दूसरे को और खुद को अपन वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देमसेल्व्स एंड देयर यंग वंस. अपने जो उनके जो बच्चे होते हैं उनको और वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इवन वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते हैं तब भी क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को, देमसेल्व्स एंड अपने चिल्ड्रेंस को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दे प्रीफेयर स्टे इन ग्रुप्स. और इसी वजह से वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. दे लीव इन ग्रुप्स फॉर. और ग्रुप्स में वो रहते क्यों हैं, कौन कौन से रीज़न हैं जिसके लिए वो ग्रुप में रहते हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम एनिमीज. ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया, इसका एग्जाम्पल है काऊ, डियर, जेब्रा, मंकी एट्सेट्रा. ठीक है, जो काऊ है वो भी ग्रुप में रहती है, डियर भी ग्रुप में रहती है, जेब्रा भी ग्रुप में रहता है. क्यों रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे की, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं. लिव इन ग्रुप फॉर सेफ्टी. जो काऊ, डियर, जेब्रा, मंकी हैं वो क्या करते हैं, सेफ्टी रीजन की वजह से खुद को सेफ रखने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं. रेजिंग देयर यंग वंस. ठीक है, फर्स्ट रीजन के बारे में अपन ने बात कर ली है. ठीक है, प्रोटेक्टिंग ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप में रहते हैं. नेक्स्ट है रेजिंग देयर यंग वंस. ओके, और अपने जो उनकी जो जनरेशन है उसको बढ़ाने के लिए, अपने जो बेबीज हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं. और इसके एग्जाम्पल है लॉयन, एलिफेंट, लिव इन ग्रुप्स. अपनी जो स्पीसीज है उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं. द ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड प्राइड. और इस तरह से जो लॉयंस का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहेंगे, प्राइड. इट इज कॉल्ड प्राइड. दैट एंड दैट ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड हर्ड. और जो एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहेंगे, हर्ड. गेटिंग वार्म्थ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी. ठीक है, थर्ड इसका जो रीज़न है वो ग्रुप में क्यों रहते हैं, तो उसका है वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो बॉडी है उसको वार्म. ठीक है, वार्म फील करवाते हैं. ठीक है, एक दूसरे की, वो अगर
ग्रुप में रहेंगे तो उनको क्या होगा, कोल्ड उनको फील नहीं होगा। ओके तो ये रीजन हो गया। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है पेंगुइन्स हर्डल्स टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। जैसे पेंगुइन है अपने को पता जो पेंगुइन है वो कोल्ड एरियाज में रहता है, ठीक है। तो अगर वो ग्रुप में रहते हो तो उनको वार्म फील होता है, उनको गर्म फील होता है एक दूसरे की बॉडी की, जो उन एक दूसरे की उनकी जो बॉडी है वो उनको एक क्या करती है, गर्म फील करवाती है। ओके नेक्स्ट एनिमल केयर आर फॉर ईच अदर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनिमल केयर फॉर ईच अदर। हर किसी के लिए एनिमल्स की केयर करना इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स केयर फॉर ईच अदर। जो ह्यूमन बींग्स हैं ठीक है वो क्या करते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं ईच अदर। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट एनिमल ऑल्सो केयर फॉर ईच अदर। ठीक है, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। एस्पेशली द मदर कीप्स हर बेबी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द डेंजर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द बेबी एनिमल। ठीक है, इसके अलावा जो मदर है वो क्या करती है, अपनी बेबी को, ठीक है, क्या करती है अपनी, उसका जो बेबी होता है उसको जितनी भी डेंजर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उससे प्रोटेक्ट करता है और उनको फूड प्रोवाइड करता है। ओके यंग मंकीज आर डिफेंडेड फ्रॉम अटैकर्स बाय द एडल्ट मंकी इन द ग्रुप्स। ठीक है, जो यंग मंकीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो एडल्ट मंकीज होते हैं उनको जो अटैकर्स होते हैं उनसे डिफेंड करते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहने से उनको बेनिफिट होता है कि वो अपने एडल्ट्स को क्या करते हैं, अटैकर्स से जो उन पे अटैक करने वाले उनसे उनको बचाते हैं। ऑन द अदर हैंड और इसके अलावा मस्क ऑक्सन व्हेन अटैक्ड बाय वॉल्स। और जो ऑक्सन होते हैं ठीक है वो क्या करते हैं, वॉल्स पे अटैक करते हैं, दे फॉर्म ए बिग सर्कल। ठीक है, और वो क्या बना लेते हैं, जब उन पे कोई अटैक करता है ठीक है तो उससे वो जब वॉल्स उन पे अटैक करते हैं तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा सर्किल बना लेते हैं विद द यंग वंस इनसाइड द सर्कल। ठीक है, और उस अपने उस जो सर्कल के अंदर है वो अपने बेबीज को रखते हैं, अब उनके जो बच्चे होते हैं उनको वो सर्कल में रख लेते हैं और उनके चारों ओर वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लोइने सेज टेक केयर ऑफ देयर यंग क्यूब्स टुगेदर कब्स टुगेदर। ठीक है, और जो लॉयंस हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, जो लॉयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलके अपने बच्चों की केयर करते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट शाइनेस इन एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होती है, शाइनेस होती है, वो शर्मीले टाइप के भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर नॉट फ्रेंडली ऑफ ह्यूमन बींग्स। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे फ्रेंडली नहीं होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स से सारे फ्रेंडली नहीं होते। यू विल ऑफन नोटिस दैट, और आपने ये भी नोटिस किया होगा, वेन यू मूव टूवर्ड्स ए कैमेलियन और स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कैमिलियन है और स्क्वायरल है वो क्या कहते हैं, जो ब्रांच का जो ट्री है उसकी एक ब्रांच पे वो सीटिंग रहते हैं, बैठे रहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं स्क्वायरलों ने ब्रांच। ठीक है, तो वो उस पे क्या रहते हैं, बैठे रहते हैं। दे मूव अवे एज सून एज दे सी यू, और जैसे ही वो आपको देखेंगे, जैसे ही आप उनके पास जाओगे वो आपको देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वहां से मूव कर जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। ए माउस ऑलवेज कीप्स रनिंग वेयर नेवर समबडी इज अराउंड। और आपको पता है कि जो माउस है अगर कोई भी उसके आसपास होगा तो एनी टाइम वो क्या करता है, रनिंग करते रहता है। ओके
सच टाइप्स ऑफ एनिमल हैव शाई बिहेवियर, और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा बिहेवियर होता है? शाई बिहेवियर होता है, ओके, शर्मिले टाइप के होते हैं. डन, ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.